वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बेस्ट सेलिंग कार्स ऑफ फरवरी 2021 के बारे में। हमारी इस लिस्ट में मारुति और होंडाई ने किसी और कंपनी को घुसने भी नहीं दिया। वैसे देखा जाए तो कार खरीदना आज के समय में हर व्यक्ति का सपना होता है, और कार्स की बात करें तो इनमें कंपटीशन बढ़ता ही चला जा रहा है। खैर, चलिए शुरू करते हैं। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन भी दबा ले ताकि आपको हर रोज ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। हमारी इस लिस्ट में 10th पोजीशन पर आई है हुंडई की हैचबैक ग्रैंड आई 10 नियोस। की सेल्स की बात की जाए तो 10,270 यूनिट सेल की है फरवरी 2021 में, और इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 7.07% का है। ग्रैंड आई 10 नियोस का दिल्ली के एक्सोरूम प्राइस की बात करें तो 5.19 लाख से शुरू होकर 8.40 लाख तक जाती है। 9th पोजीशन पर जगह बनाई है हुंडई की ही सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू ने, और वेन्यू की सेल्स फिगर की बात की जाए तो इसकी फरवरी 2021 में 11,224 यूनिट सेल हुई है, और इसके मार्केट शेयर की बात की जाए तो 8.75% का है। वेन्यू के दिल्ली के एक्सरूम प्राइस की बात करें तो 6.86 लाख से शुरू होकर 11.66 लाख तक जाती है। बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में 8th पोजीशन पर आई है मारुति की सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी विटारा ब्रिजा। इसकी फरवरी 2021 में 11,585 यूनिट सेल हुई है, और ब्रिजा के मार्केट शेयर की बात की जाए तो 7.97% का है। विटारा ब्रिजा के दिल्ली के एक्सोरूम प्राइस की बात करें तो 7.39 लाख से शुरू होकर 11.20 लाख तक जाती है। हमारी इस लिस्ट में 7th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी इको, जो कि कॉमर्शियल व्हीकल एम्बुलेंस व्हीकल में ज्यादा यूज की जाती है, और ये सीएनजी में भी अवेलेबल होती है। इको की सेल्स की बात की जाए तो 11,891 यूनिट सेल हुई है फरवरी 2021 में, और इसके मार्केट शेयर की बात की जाए तो 8.18% है। इको के दिल्ली के एक्सरूम प्राइस की बात करें तो 3.97 लाख से शुरू होकर 6.94 लाख तक जाती है। 6th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी की एंट्री लेवल सेडान डिजायर, जो कि सेडान्स की लिस्ट में 1st पोजीशन पर रहती है, और डिजायर की सेल्स की बात की जाए तो फरवरी 2021 में 11,901 यूनिट सेल हुई है, और इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 8.19% का है। डिजायर के दिल्ली के एक्सरूम प्राइस की बात करें तो 5.94 लाख से शुरू होकर 8.90 लाख तक जाती है। इस लिस्ट में 5th पोजीशन पर आई है हुंडई की 5 सीटर एसयूवी क्रेटा। क्रेटा की सेल्स लॉकडाउन से पहले 1000 यूनिट्स भी सेल नहीं होती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद में इसकी सेल्स में एकदम उछाल आ गया है। क्रेटा की फरवरी 2021 की सेल्स की बात करें तो 12,428 यूनिट सेल हुई है, और लास्ट ईयर फरवरी की सेल्स की बात की जाए तो 700 यूनिट ही सेल हुई थी। इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 8.55% का है। क्रेटा के दिल्ली के एक्सरूम प्राइस की बात की जाए तो 9.99 लाख से शुरू होकर 17.53 लाख तक आ जाती है। 4th पोजीशन पर वो गाड़ी आई है जिसका नाम लेते हुए भी दुख हो रहा है। जी हाँ, मारुति सुजुकी अल्टो, जो कि पिछले महीने जनवरी में 1st पोजीशन पर आई थी। इसका सिर्फ एक ही रीजन है, वो है स्विफ्ट का फेसलिफ्ट लॉन्च हो जाना। इसके सेल्स की बात की जाए तो 16,919 यूनिट्स फरवरी 2021 में सेल हुई है, और इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 11.65% है। अल्टो के दिल्ली के एक्सरूम प्राइस की बात करें तो 2.99 लाख से शुरू होकर 4.48 लाख तक जाती है। इस लिस्ट में टॉप 3 पोजीशन पर जगह बनाई है मारुति सुजुकी वैगनार, जो कि सीएनजी में काफी बिचती है क्योंकि इसका यूज ज्यादातर टैक्सी में किया जाता है। इसके सेल्स की बात की जाए तो फरवरी 2021 में 18,720 यूनिट सेल हुई है, और इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 12.89% का है। वैगनार के दिल्ली के एक्सरूम प्राइस की बात करें तो 4.65 लाख से शुरू होकर 6.18 लाख तक जाती है। सेकंड पोजीशन पर जगह बनाई है मारुति सुजुकी की प्रीमियम हैचबैक बलेनो। इसके सेल्स फिगर की बात करें तो फरवरी 2021 में 20,070 यूनिट सेल हुई है,
और इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 13.81% का है। रेनो के दिल्ली के एक्सरू प्राइस की बात की जाए तो 8.07 लाख से शुरू होकर 9.10 लाख तक जाती है। हमारी बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में फिर से एक बार फर्स्ट पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जिसकी की हाल ही में फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हुआ है, जिसमें कि कंपनी की तरफ से माइनर चेंजेस किए गए हैं। इसके सेल्स फिगर की बात की जाए तो 20,264 यूनिट सेल हुई है और इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 13.95% है। स्विफ्ट के दिल्ली के एक्सरूम प्राइस की बात की जाए तो फेसलिफ्ट के बाद इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, जो कि 5.72 लाख से शुरू होकर 8.26 लाख तक जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।